जल्द ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन 10 सीटों में से एक सीट ऐसी है जो भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। हम बात अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की कर रहे हैं। इस सीट को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। यही नहीं, इस सीट पर 4 दिग्गज मंत्रियों को भी उतारा गया है। अब देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में वो 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। इस सीट को अपने पाले में करने के लिए 4 खास मंत्रियों को भी चुनाव जिताने का काम दिया गया है। इन 4 मंत्रियों में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का नाम शामिल है। सीएम योगी के साथ ये सीट इन 4 मंत्रियों के लिए भी अग्नि परीक्षा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट जीतकर समाजवादी पार्टी से अयोध्या जिले वाली फैजाबाद सीट पर मिली हार की टीस का बदला लेना चाहती है। ऐसे में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आपको हम बता दें कि मिल्कीपुर सीट सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हो गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।